हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस देखिए, आज मेरे हाथ में फिर से एक फ़ोन आया है, वीवो Y1S। तो गाइस देखिए, इसका पीछे फिंगरप्रिंट है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया बिना फिंगरप्रिंट वाला मॉडल को अनलॉक करके, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, इस फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। तो गाइस देखिए, इसका लॉक जो है फंस चुका है। देखिए, द फोन हैज़ बीन लॉकेड दिखा रहा है, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो गाइस लॉक फंसा हुआ है। तो गाइस इस तरह प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है तो कैसे हार्डसेट करना है फ़ोन को, इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वन क्लिक में कैसे हार्डसेट करना है, इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फ़ोन को पहले हार्डसेट करने का कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले पावर की प्रेस करके फ़ोन को पावर ऑफ कर देते, और जैसे ही फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा आपको क्या करना है, वॉल्यूम आप देखिए गाइस पावर की, और वॉल्यूम आप से रिकवरी में जाना है, ठीक है। तो गाइस रिकवरी में जाना है आपको वॉल्यूम आप और पावर की प्रेस करके, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो देखिए आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है और रिकवरी मूड में देखिए जाएगा, और ये देखिए रिकवरी मूड में आ गया, और पावर की प्रेस करते तो गाइस फ़ोन ऑफ होके ऑन होगा। देखिए तो गाइज वीवो में थोड़ा टाइम रुकेगा। तो गाइज देखिए, आप रिकवरी मोड का ऑप्शन आ चुका है। देखिए क्लियर डाटा, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, चेक सॉफ्टवेयर। तो गाइज क्लियर डाटा पर जाना है और क्लियर ऑल डाटा ओके करना है। देखिए गाइज नीचे कैंसिल ओके, ठीक है गाइज। तो गाइज ओके पर क्लिक करना है। तो गाइज देखिए ओके पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर वही लॉक मांग रहा है जो स्क्रीन लॉक है, ठीक है। तो गाइस स्क्रीन लॉक ब्लॉक हो जाएगा तो क्या क्या होगा, आप यहाँ पर लॉक डाल के सीधा क्लियर डाटा कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो गाइस पैटर्न पासवर्ड आपको याद है तो आप कर पाओगे, लॉक ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर पैटर्न डाल के आप अनलॉक कर पाओगे। नहीं मतलब कि आपको लॉक याद नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो गाइस कैसे लॉक को मतलब कि ये जो लॉक मांग रहा है लॉक को कैसे रिमूव करना है, इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो गाइस देखिए क्लियर डाटा नहीं हो रहा है, यहाँ पर वही लॉक मांग रहा है जो स्क्रीन लॉक है। तो गाइस जिसका लॉक याद है तो हार्ड रीसेट कर पाओगे, जिसका याद नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, और स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना। और जिसका पास कंप्यूटर या लैपटॉप है पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो वीडियो को मत देखिए, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग हैं जिसका पास कंप्यूटर नहीं है, उन लोग मतलब कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। जिसका पास कंप्यूटर या लैपटॉप है वही देखे वीडियो को, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो गाइज मैं कोशिश करके देखता हूँ, हार्ड रीसेट करने का कोशिश करता हूँ, और मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये लॉक बाईपास होगा, लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ। अगर हार्ड रीसेट हो जाता है तो अच्छा है, ठीक है, बिना लॉक के। नहीं होता है तो दूसरा मतलब कि ट्राई करेंगे। तो गाइस जिसका पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वही देखे वीडियो को, तो जिसका पास नहीं है मत देखिए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, और ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। तो गाइस पावर ऑफ कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ हार्ड रीसेट करने का, ठीक है। तो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ हार्ड रीसेट करने का, आप लोग मेरे बातों पे मत आइए, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे फॉलो करिए, ठीक है। आपका फ़ोन अपडेट नहीं होगा तो मतलब कि हार्ड रीसेट हो जाएगा, अगर सिक्योरिटी अपडेट हो गया तो हार्ड रीसेट करना मुश्किल हो जाएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप से करना पड़ेगा। जिसका पास कंप्यूटर है वही कर पाएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से एक है तो वही कर पाएगा, ठीक है। तो गाइज मुझे तो लग रहा है कि ये फ़ोन का सिक्योरिटी अपडेट हो गया है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गाइज कोशिश करके देखते हैं, नहीं होगा तो पीसी से करके दिखाऊंगा। जिसका पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, जिसका पास कंप्यूटर है वही कर पाएगा, ठीक है। तो गाइज जिसका पास कंप्यूटर लैपटॉप है लास्ट तक देखिए। तो गाइज ये रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है और बाईपास मोड में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो गाइज ये नहीं होगा, सिक्योरिटी अपडेट हो गया है उसका। तो चलते हैं पीसी की तरफ, और गाइज क्या करना है, लैपटॉप में या कंप्यूटर है आपका पास तो क्या करना है, लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों में से एक है तो होगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले आपका
कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो गाइज सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करिए। ठीक है गाइज, देखिए MTK ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा आपको। ठीक है, तो गाइज़ ये ड्राइवर का लिंक इस वीडियो का नीचे मिल जाएगा और एक टूल का लिंक मिलेगा जिस टूल से अनलॉक होगा। टूल और ड्राइवर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वैसे डाउनलोड करके आप पहले ये ड्राइवर को इंस्टॉल करिए। तो गाइज़ सारा केल जो है ना ये ड्राइवर का ही है। ठीक है, तो गाइज़ ड्राइवर पहले आपको इंस्टॉल करना है। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जिसका मतलब कि पास कंप्यूटर लैपटॉप है और कर नहीं पा रहा है, फर्स्ट टाइम करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, जिसका मतलब कि जिस बाई लुक कर नहीं पा रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो का नीचे मिलेगा, मेरे से व्हाट्सअप करिए, मैं मतलब कि ऑनलाइन अनलॉक करके देता हूँ। ठीक है, किसी भी फ़ोन का ऑनलाइन अनलॉक करके देता हूँ मैं। तो गाइज व्हाट्सअप मैसेज करिए, थोड़ा पैसा देना होगा आपको, ऑनलाइन अनलॉक करके दूंगा मैं। ठीक है, जिसको नहीं हो रहा है, जिसका फ़ोन नहीं हो रहा है अनलॉक। ठीक है गाइज, तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए गाइज ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइज अभी टूल को ओपन करते हैं। तो गाइज देखिए ये है अनलॉक टूल, ये बहुत मतलब कि फर्स्ट काम करता है फ़ोन को हार्ड रिसेट करने में, 2-3 मिनट के अंदर हार्ड रिसेट कर देता है फ़ोन को। तो गाइज इस टूल का आईडी पासवर्ड, ठीक है गाइज आईडी पासवर्ड चाहिए तो व्हाट्सअप मैसेज करिए, व्हाट्सअप मैसेज करके आईडी पासवर्ड आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, फ्री में नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आईडी पासवर्ड आपको लेना है तो व्हाट्सअप मैसेज करिए, और 3 घंटे के लिए ये टूल मतलब कि आपका पीसी में ओपन होगा 3 घंटे के लिए। तो गाइज वीवो का फ़ोन अनलॉक करना है तो आपको वीवो पर जाना है, और देखिए ये सर्च बॉक्स में आपको मॉडल लिखना है। ठीक है, तो गाइज इस फ़ोन का जो मॉडल नंबर सिलेक्ट करूँगा मैं, वीवो Y91C। ठीक है, Y91 लिखूँगा, वीवो Y91 का मेहता मोड से अनलॉक करूँगा। ठीक है, तो गाइज वीवो Y91C मेहता मोड से बहुत सारे वीवो का MTK CPU अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो गाइज फ़ोन सबसे पहले आपको पावर ऑफ करना है। तो गाइज देखिए वीवो Y91 का मेहता मोड जो बूट है, Y91C का मेहता मोड बूट सिलेक्ट किया, और अब क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट FRP पर क्लिक करना है, और फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, स्विच ऑफ करके USB लगा देना है। ठीक है, और जैसे ही लगाओगे तो देखिए यहाँ पर वेटिंग पोर्ट, तो गाइज देखिए पोर्ट जो है मिल चुका है, और मेहता मोड में फ़ोन अनलॉक हो जाएगा 2-3 सेकंड के अंदर अनलॉक हो जाता है। ठीक है, 2-3 सेकंड के अंदर अनलॉक हो जाता है, 1 क्लिक में पैटर्न FRP अनलॉक हो जाता है। तो गाइज अभी फ़ोन को रिमूव करता हूँ और ऑन करता हूँ। ठीक है, तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिए ये कितना जल्दी अनलॉक हार्ड रिसेट हुआ है फ़ोन। ठीक है, हार्ड रिसेट हुआ है, 1 क्लिक में हार्ड रिसेट हुआ है। ठीक है, तो गाइज देखिए ऑन कर रहा हूँ मैं अभी USB को निकाल के, और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो गाइज हार्ड रिसेट करने का बाद थोड़ा टाइम लगता है ऑन होने में, तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है गाइज, तो गाइज जिसको ऑनलाइन अनलॉक करना है किसी भी फ़ोन का, तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए अभी देखिए फ़ोन सेटअप यूज़र पर आ चुका है। तो गाइज उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आने में लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो गाइज